अगर मैं बोलूं अल्लू अर्जुन के बाद दूसरा तेलुगु स्टार कौन होगा तो तुम्हारे दिमाग में एक ही नाम आएगा, रवि तेजा। हमने जिनकी इतनी सारी मूवीज देखी है टीवीज पर और इन्होंने हमें साउथ एडिक्शन लगाया हुआ है, तो इनकी हाल ही में नई फिल्म लगी हुई है टाइगर नागेश्वर राव। तो आओ देखते हैं क्या ये फिल्म रवि तेजा का डोज बराबर कर पाती है या फिर नहीं। तो फिल्म की शुरुआत होती है इंडियाज मोस्ट गैंगस्टर नागेश से। ये बंदा जो भी करता है, डकैत, मारपीट, मुंह पर बोल के करता है। अगर इनकी कहानी किसी और के मुंह से सुनेंगे तो लोग इनके बारे में बुरा ही बोलेंगे। अगर इनकी कहानी इनकी जुबानी सुनोगे तो ये बंदा इंसान नहीं, भगवान है। अगर नागेश जैसा भगवान है तो दूसरी तरफ शैतान भी है, जिसने बच्चों को किताबों की जगह नशा और चोरी करना सिखाया है। इस शैतान के साथ वर्दी के रखवाले भी मिले हुए हैं, लेकिन अपने टाइगर नागेश्वर राव का भौकाल पीएम द इंदिरा गांधी तक का है और इनका सच किसी से छुपा नहीं है, और इतना काफी होगा इस भौकाल फिल्म के लिए। पॉजिटिव नंबर वन, रवि तेजा एंड अदर एक्टर्स। बात करें अगर इस फिल्म में रवि तेजा ने जिस तरीके से काम किया, वो एक्चुअल नागेश्वर राव वाली वाइब देते हैं, वो किसी एंगल से रवि तेजा ना लग करके एक रियल बंदा रियल मूवी पेश करता नजर आता है। और अदर एक्टर्स की बात करें जिन्होंने काम किया, वह विलन, पुलिस, भाई सबने बवाल फाड़ काम किया, सबका काम जबरदस्त था। पॉजिटिव नंबर टू, स्टोरी, एक्शन, स्क्रीन प्ले। अगर बात करूं स्टोरी की तो स्टोरी बहुत ही रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी ली है नागेश सर के ऊपर, जो अपना जर्नी कैसे शुरू करे, कहां से कहां तक, और पीएम साथ कैसे वो नेगोशिएट करे काम के, इस जर्नी को उन्होंने एक्सप्लोर किया। स्टोरी बहुत ही प्यारी है। और बात करें एक्शन की तो हमारे रवि तेजा साहब ने बहुत प्यारा एक्शन किया हुआ है हर जगह, मतलब आपको मजा ही देंगे ये। और बात करें अगर स्क्रीन प्ले की, जितने प्यारे तरीके से इस कहानी को एक्सप्लोर किया गया है उतना प्यारा कोई भी नहीं कर सकता। पॉजिटिव नंबर थ्री, गुड स्टोरी लाइक केजीएफ। अगर इस फिल्म में बात करें तो हमें हीरो अपनी कहानी खुद नहीं सुनाता हुआ दिखता है, इसकी कहानी वही दो बंदे सुनाते हैं दिखते हैं, जैसे कि लाइक केजीएफ में केजीएफ की कहानी कोई और सुना रहा है, ऐसे ही हमारे नागेश्वर राव की कहानी भी कोई और चीजें सुनाता है। और इस तरीके से बिल्डअप बहुत प्यारा मिलता है इस बंदे को, और ये बंदा भाई एक रियल रॉ मूवी क्या होती है मानव चाहिए। नेगेटिव नंबर वन, रोमांटिक एलिमेंट। अगर बात करें इस फिल्म के रोमांटिक एलिमेंट के पहले पार्ट की, जिसमें नुपुर सैनन है, वो वेस्ट ऑफ द टाइम था, लेकिन ओवरऑल नुपुर सैनन का काम वेस्ट ऑफ द मटेरियल था, मजा बिल्कुल नहीं है। अगर बात करें एज कम्पेयर टू जो और एक्ट्रेस में हमें देखने को मिली है, जो हमें अमेजॉन मिनी टीवी के सीरीज में कई बार दिखी है, आपके डिस्प्ले पे दिख रही होगी, तो इसने बहुत बखूबी काम किया हुआ है। इससे प्योर एक्ट्रेस मैंने कभी नहीं देखी, और इन दोनों की रवि तेजा और इसकी केमिस्ट्री बाप लेवल लग रही थी। नेगेटिव नंबर टू, VFX प्रॉब्लम। जहां पर हमारे नागेश्वर शॉट ट्रेन शॉट पे चोरी करते नजर आते हैं, वहां VFX कमजोर मालूम चलता है फिल्म का। ओवरऑल अगर ये दो चीजों को टाल दोगे तो फिल्म बहुत ही फाड़ है। और बात करूं एज लियो देखने के बाद अगर मुझे कुछ समझ में आई है, तो ये फिल्म टाइगर नागेश्वर राव, अगर ये तुम बोलोगे मूवी ऑफ द दो मूवी इस वीक की सबसे बवाल लगी है, लियो एंड टाइगर नागेश्वर राव, अगर तुमने नहीं देखी तो दोनों देखो, दोनों ही जबरदस्त है, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। अगर हाँ, इस वीडियो में करना शकील बोलता है, ठीक, अगली वीडियो में लगा दो बहुत।